ओम श्री गणेशाय नमः। अथ श्री पंचमुखी हनुमत कवचम्। ओम अस्य श्री पंचमुखी हनुमत कवच स्तोत्र मंत्रस्य ब्रह्मा ऋषिः गायत्री छंदः श्री हनुमान देवता राम बीजम मम शक्तिः चंद्रह कीलकम्। ओम राम कवचाय हुम हौं अस्त्राय फट। ओम हरिमरकट मरकटाय स्वाहा। ओम नमो भगवते पंचवदनाय पूर्वकपि मुखाय सकल शत्रु संहरणाय स्वाहा। ओम नमो भगवते पंचवदनाय दक्षिण मुखाय कराल वदनाय नरसिंहाय सकलभूत प्रमथनाय स्वाहा। ओम नमो भगवते पंचवदनाय पश्चिम मुखाय गरुडाननाय सकल विषहराय स्वाहा। ओम नमो भगवते पंचवदनाय उत्तर मुखाय आदिवराहाय सकल संपतकराय स्वाहा। ओम नमो भगवते पंचवदनाय ऊर्ध्वमुखाय हयग्रीवाय सकल जनवशकराय स्वाहा। ओम अस्य श्री पंचमुखी हनुमत कवच स्तोत्रस्य श्रीरामचंद्र ऋषिः अनुष्टुप छंदः। श्रीरामचंद्रो देवता सीता इति बीजं हनुमानीति शक्तिः हनुमत प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। पुनर्हनुमानीति बीजं ओम वायुपुत्राय इति शक्तिः अंजनासुतायेति कीलकम्। श्रीरामचंद्र वरप्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। अथ ध्यानम्। वंदे वानर नारसिंह खगराट क्रोडाश्ववक्त्रान्वितम् दिव्यालंकरणं त्रिपंचनयनं देदीप्यमानं रुचा हस्ताब्जैरसिखेट पुस्तकसुधा कुंभाकुशाद्रीं हलं खट्वांगं फणिभूरुहं दशभुजं सर्वारि वीरापहं। श्रीरामदूताय आंजनेयाय वायुपुत्राय महाबलाय सीताशोक निवारणाय महाबल प्रचंडाय लंकापुरी दहनाय फाल्गुन सखाय कोलाहल सकल ब्रह्मांड विश्वरूपाय सप्त समुद्रांतल लंघिताय पिंगल नयनायामित विक्रमाय सूर्य बिंब फल सेवाधिष्ठित पराक्रमाय संजीवन्या अंगद लक्ष्मण महाकपि सैन्य प्राणदात्रे दशग्रीव विध्वंसनाय रामेष्टाय सीता सहित रामचंद्र वर प्रसादाय षट प्रयोगागम पंचमुखी हनुमत मंत्र जपे विनियोगः। ओम हरि मरकट मरकटाय स्वाहा। ओम हरि मरकट मरकटाय वं 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 वाषट स्वाहा। ओम हरि मरकट मरकटाय फं 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 फट स्वाहा। ओम हरि मरकट मरकटाय खं 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 मारणाय स्वाहा। ओम हरि मरकट मरकटाय ठम 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 स्तंभनाय स्वाहा। ओम हरि मरकट मरकटाय डम 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 आकर्षणाय सकल संपतकराय पंचमुखी वीर हनुमते स्वाहा। ओम ढम 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 कूर्म मूर्तये पंचमुखी हनुमते परयंत्र परतंत्रोच्चाटनाय स्वाहा। कं खं गं घं गं चं छं जं झं यं टं ठं डं डं णं तं ठं दं धं नं पं फं बं भं मं यं रं लं वं षं शं शं हं शं स्वाहा इति दिग्बन्धः। ओम पूर्वकपि मुखाय पंचमुखे हनुमते ठं 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 सकल शत्रु संहरणाय स्वाहा। ओम दक्षिण मुखाय पंचमुखे हनुमते कराल वदनाय नरसिंहाय ह्रां 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 सकल भूत प्रेत दमनाय स्वाहा। ओम पश्चिम मुखाय गरुडासनाय
पंचमुखे वीर हनुमते मम 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 सकल विषहराय स्वाहा ओम उत्तर मुखे आदिवराहाय लंग 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 नृसिंहाय नीलकंठाय पंचमुखे हनुमते स्वाहा ओम अंजना सुताय वायुपुत्राय महाबलाय रामेष्टफाल्गुन सखाय सीताशोक निवारणाय लक्ष्मण प्राण रक्षकाय कपिसैन्य प्रकाशाय दशग्रीवाभिमान दहनाय श्रीरामचंद्र वर प्रसादकाय महावीर्याय प्रथम ब्रह्मांड नायकाय पंचमुखे हनुमते भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस शाकिनी डाकिनी अंतरिक्ष गृह पर्यंत्र परतंत्र सर्वग्रहोच्चाटनाय सकल शत्रु संहरणाय पंचमुखे हनुमद्वर प्रसादाय सर्वरक्षकाय जंग 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 स्वाहा पठित्वेदं तु कवचं महांतं कवचं पठेत् एकवारं पठे नित्यं सर्वशत्रु निवारणं द्विवारं तो पठे नित्यं पुत्रपौत्र प्रवर्धनं त्रिवारं पठते नित्यं सर्वसंपत्करं परं चतुर्वारं पठे नित्यं सर्वमर्त्यवशंकरं पंचवारं पठे नित्यं सर्वरोगनिवारणं षड्वारं तो पठे नित्यं सर्वदेववशीकरं सप्तवारं पठे नित्यं सर्वकामार्थसिद्धिदं अष्टवारं पठे नित्यं सर्वसौभाग्यदायकं नववारं पठे नित्यं सर्वैश्वर्यप्रदायकं दशवारं पठे नित्यं त्रैलोक्य ज्ञान दर्शनं एकादशं पठे नित्यं सर्वसिद्धिं लभे नरः कवचं स्मृतिमात्रेण महालक्ष्मी फलप्रदं तस्माच्च प्रयता भाव्यं कार्यं हनुमतः प्रियं ओम अस्य श्री पंचमुखी हनुमत कवच स्तोत्र मंत्रस्य ब्रह्मा ऋषिः गायत्री छंदः श्री हनुमान देवता राम बीजं मम शक्तिः चंद्रः कीलकं ओम राम कवचाय हुं हौं अस्त्राय फट ओम हरिमरकट मरकटाय स्वाहा ओम नमो भगवते पंचवदनाय पूर्वकपि मुखाय सकल शत्रु संहरणाय स्वाहा ओम नमो भगवते पंचवदनाय दक्षिण मुखाय कराल वदनाय नरसिंहाय सकल भूत प्रमथनाय स्वाहा ओम नमो भगवते पंचवदनाय पश्चिम मुखाय गरुडाननाय सकल विषहराय स्वाहा ओम नमो भगवते पंचवदनाय उत्तर मुखाय आदिवराहाय सकल संपत्कराय स्वाहा ओम नमो भगवते पंचवदनाय ऊर्ध्व मुखाय हयग्रीवाय सकल जनवशकराय स्वाहा ओम अस्य श्री पंचमुखे हनुमत कवच स्तोत्रस्य श्री रामचंद्र ऋषिः अनुष्टुप छंदः श्री रामचंद्रो देवता सीता इति बीजं हनुमानीति शक्तिः हनुमत प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः पुनर्हनुमानीति बीजं ओम वायुपुत्राय इति शक्तिः अंजना सुतायेति कीलकं श्रीरामचंद्र वर प्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः अथ ध्यानम् वंदे वानर नारसिंह खगराट क्रोडाश्ववक्त्रान्वितं दिव्यालंकरणं त्रिपंचनयनं देदीप्यमानं रुचा हस्ताब्जैरसिखेट पुस्तक सुधा कुंभांकुशाद्रीं हलं खट्वांगं फणिभूरुहं दशभुजं सर्वारि वीरापहं श्रीरामदूताय आंजनेयाय वायुपुत्राय महाबलाय सीताशोक निवारणाय महाबल प्रचंडाय लंकापुरी दहनाय फाल्गुन सखाय
कोलाहल सकल ब्रह्मांड विश्वरूपाय सप्त समुद्रांतल लंघिताय पिंगल नयनायामित विक्रमाय सूर्य बिंब फल सेवाधिष्ठित पराक्रमाय संजीवन्या अंगद लक्ष्मण महाकपि सैन्य प्राणदात्रे दशग्रीव विध्वंसनाय रामेष्टाय सीता सहित रामचंद्र वर प्रसादाय षट प्रयोगागम पंचमुखी हनुमत मंत्र जपे विनियोगः ओम हरि मरकट मरकटाय स्वाहा ओम हरि मरकट मरकटाय वम 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 वाषट स्वाहा ओम हरि मरकट मरकटाय फम 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 फट स्वाहा ओम हरि मरकट मरकटाय खं 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 मारणाय स्वाहा ओम हरि मरकट मरकटाय ठम 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 स्तंभनाय स्वाहा ओम हरि मरकट मरकटाय डम 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 आकर्षणाय सकल संपत कराय पंचमुखी वीर हनुमते स्वाहा ओम ढम 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 कूर्म मूर्तये पंचमुखी हनुमते परयंत्र परतंत्रोच्चाटनाय स्वाहा कं खं गं घं गं चं छं जं झं यं टं ठं डं डं ङं तं ठं दं धं नं पं फं बं भं मं यं रं लं वं षं सं शं हं शं स्वाहा इति दिग्बन्धः ओम पूर्वकपि मुखाय पंचमुखे हनुमते ठं 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 सकल शत्रुषं हरणाय स्वाहा ओम दक्षिण मुखाय पंचमुखे हनुमते करालवदनाय नरसिंहाय ह्रां 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 सकल भूत प्रेत दमनाय स्वाहा ओम पश्चिम मुखाय गरुडासनाय पंचमुखे वीर हनुमते मम 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 सकल विषहराय स्वाहा ओम उत्तर मुखे आदिवराहाय लंग 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 नरसिंहाय नीलकंठाय पंचमुखे हनुमते स्वाहा ओम अंजनासुताय वायुपुत्राय महाबलाय रामेष्टफाल्गुन सखाय सीताशोक निवारणाय लक्ष्मण प्राणरक्षकाय कपिसैन्य प्रकाशाय दशग्रीवाभिमान दहनाय श्रीरामचंद्र वरप्रसादकाय महावीर्याय प्रथम ब्रह्मांडनायकाय पंचमुखे हनुमते भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस शाकिनी डाकिनी अंतरिक्ष गृह पर्यंत्र परतंत्र सर्वग्रहोच्चाटनाय सकल शत्रु संहरणाय पंचमुखे हनुमद्वर प्रसादाय सर्वरक्षकाय जं 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 स्वाहा पठित्वेदं तु कवचं महांतं कवचं पठेत् एकवारं पठे नित्यं सर्वशत्रु निवारणं द्विवारं तो पठे नित्यं पुत्रपौत्र प्रवर्धनं त्रिवारं पठते नित्यं सर्वसंपत्करं परं चतुर्वारं पठे नित्यं सर्वमर्त्यवशंकरं पंचवारं पठे नित्यं सर्वरोगनिवारणं षड्वारं तो पठे नित्यं सर्वदेववशीकरं सप्तवारं पठे नित्यं सर्वकामार्थसिद्धिदं अष्टवारं पठे नित्यं सर्वसौभाग्यदायकं नववारं पठे नित्यं सर्वैश्वर्यप्रदायकं दशवारं पठे नित्यं त्रैलोक्य ज्ञान दर्शनम् एकादशं पठे नित्यं सर्वसिद्धिं लभे नरः कवचं स्मृतिमात्रेण महालक्ष्मी फलप्रदं तस्माच्च प्रयता भाव्यं कार्यं हनुमतः प्रियं ओम अस्य श्री पंचमुखी हनुमत कवच स्तोत्र मंत्रस्य ब्रह्मा ऋषिः गायत्री छंदः श्री हनुमान देवता राम बीजम मम शक्ति चंद्रह कीलकम ओम रोम कवचाय हुम हौं अस्त्राय फट ओम हरि मरकट मरकटाय स्वाहा ओम नमो भगवते पंचवदनाय पूर्वकपि मुखाय सकल शत्रु संहरणाय स्वाहा
ओम नमो भगवते पंचवदनाय दक्षिणमुखाय करालवदनाय नरसिंहाय सकलभूत प्रमथनाय स्वाहा। ओम नमो भगवते पंचवदनाय पश्चिममुखाय गरुडाननाय सकलविषहराय स्वाहा। ओम नमो भगवते पंचवदनाय उत्तरमुखाय आदिवराहाय सकलसंपतकराय स्वाहा। ओम नमो भगवते पंचवदनाय ऊर्ध्वमुखाय हयग्रीवाय सकलजनवशकराय स्वाहा। ओम अस्य श्री पंचमुखे हनुमत्कवचस्तोत्रस्य श्रीरामचंद्र ऋषिः अनुष्टुप छंदः श्रीरामचंद्रो देवता सीता इति बीजं हनुमानीति शक्तिः हनुमत प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः पुनर्हनुमानीति बीजं ओम वायुपुत्राय इति शक्तिः अंजनासुतायेति कीलकं श्रीरामचंद्र वरप्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। अथ ध्यानम्। वंदे वानर नारसिंह खगराट क्रोडाश्ववक्त्रान्वितं दिव्यालंकरणं त्रिपंचनयनं देदीप्यमानं रुचा हस्ताब्जैरसिखेट पुस्तकसुधा कुंभांकुशाद्रीं हलं खट्वांगं फणिभूरुहं दशभुजं सर्वारि वीरापहं। श्रीरामदूताय आंजनेयाय वायुपुत्राय महाबलाय सीताशोक निवारणाय महाबल प्रचंडाय लंकापुरी दहनाय फाल्गुन सखाय कोलाहल सकल ब्रह्मांड विश्वरूपाय सप्त समुद्रांतल लंघिताय पिंगल नयनायामित विक्रमाय सूर्यबिंब फल सेवाधिष्ठित पराक्रमाय संजीवन्या अंगद लक्ष्मण महाकपि सैन्य प्राणदात्रे दशग्रीव विध्वंसनाय रामेष्टाय सीता सहित रामचंद्र वर प्रसादाय षट प्रयोगागम पंचमुखी हनुमत मंत्र जपे विनियोगः। ओम हरि मरकट मरकटाय स्वाहा। ओम हरि मरकट मरकटाय वं 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 वाषट स्वाहा। ओम हरि मरकट मरकटाय फं 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 फट स्वाहा। ओम हरि मरकट मरकटाय खं 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 मारणाय स्वाहा। ओम हरि मरकट मरकटाय ठम 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 स्तंभनाय स्वाहा। ओम हरि मरकट मरकटाय डम 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 आकर्षणाय सकल संपतकराय पंचमुखी वीर हनुमते स्वाहा। ओम ढम 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 कूर्म मूर्तये पंचमुखी हनुमते परयंत्र परतंत्रोच्चाटनाय स्वाहा। कं खं गं घं गं चं छं जं झं यं टं ठं डं डं णं तं थं दं धं नं पं फं बं भं मं यं रं लं वं षं शं शं हं शं स्वाहा इति दिग्बंधः। ओम पूर्वकपि मुखाय पंचमुखे हनुमते ठं 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 सकल शत्रुषं हरणाय स्वाहा। ओम दक्षिणमुखाय पंचमुखे हनुमते करालवदनाय नरसिंहाय ह्रां 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 सकलभूत प्रेत दमनाय स्वाहा। ओम पश्चिम मुखाय गरुडासनाय पंचमुखे वीर हनुमते मम 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 सकल विषहराय स्वाहा। ओम उत्तर मुखे आदिवराहाय लंग 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 नरसिंहाय नीलकंठाय पंचमुखे हनुमते स्वाहा। ओम अंजनासुताय वायुपुत्राय महाबलाय रामेष्ट फाल्गुन सखाय सीताशोक निवारणाय लक्ष्मण प्राण रक्षकाय कपिसैन्य प्रकाशाय दशग्रीवाभिमान दहनाय श्रीरामचंद्र वर प्रसादकाय महावीर्याय प्रथम ब्रह्मांड नायकाय
पंचमुखे हनुमते भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस शाकिनी डाकिनी अंतरिक्ष गृह पर्यंत्र परतंत्र सर्वग्रहोच्चाटनाय सकल शत्रु संहरणाय पंचमुखे हनुमद्वर प्रसादाय सर्वरक्षकाय जं 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 स्वाहा। पठित्वेदं तु कवचं महांतं कवचं पठेत् एकवारं पठे नित्यं सर्वशत्रु निवारणं द्विवारं तो पठे नित्यं पुत्रपौत्र प्रवर्धनं त्रिवारं पठते नित्यं सर्वसंपत्करं परं चतुर्वारं पठे नित्यं सर्वमर्त्यवशंकरं पंचवारं पठे नित्यं सर्वरोगनिवारणं षड्वारं तो पठे नित्यं सर्वदेववशीकरं सप्तवारं पठे नित्यं सर्वकामार्थसिद्धिदं अष्टवारं पठे नित्यं सर्वसौभाग्यदायकं नववारं पठे नित्यं सर्वैश्वर्यप्रदायकं दशवारं पठे नित्यं त्रैलोक्य ज्ञान दर्शनं एकादशं पठे नित्यं सर्वसिद्धिं लभे नरः कवचं स्मृतिमात्रेण महालक्ष्मी फलप्रदं तस्माच्च प्रयता भाव्यं कार्यं हनुमतः प्रियं। ओम अस्य श्री पंचमुखी हनुमत कवच स्तोत्र मंत्रस्य ब्रह्मा ऋषिः गायत्री छंदः श्री हनुमान देवता राम बीजं मम शक्तिः चंद्रह कीलकं। ओम राम कवचाय हुं हौं अस्त्राय फट ओम हरिमरकट मरकटाय स्वाहा। ओम नमो भगवते पंचवदनाय पूर्वकपि मुखाय सकल शत्रु संहरणाय स्वाहा। ओम नमो भगवते पंचवदनाय दक्षिणमुखाय करालवदनाय नरसिंहाय सकलभूत प्रमथनाय स्वाहा। ओम नमो भगवते पंचवदनाय पश्चिममुखाय गरुडाननाय सकलविषहराय स्वाहा। ओम नमो भगवते पंचवदनाय उत्तरमुखाय आदिवराहाय सकलसंपत्कराय स्वाहा। ओम नमो भगवते पंचवदनाय ऊर्ध्वमुखाय हयग्रीवाय सकलजनवशकराय स्वाहा। ओम अस्य श्री पंचमुखे हनुमत कवच स्तोत्रस्य श्रीरामचंद्र ऋषिः अनुष्टुप छंदः श्रीरामचंद्रो देवता सीता इति बीजं हनुमानीति शक्तिः हनुमत प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः पुनर्हनुमानीति बीजं ओम वायुपुत्राय इति शक्तिः अंजनासुतायेति कीलकं श्रीरामचंद्र वरप्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। अथ ध्यानम् वंदे वानर नारसिंह खगराट क्रोडाश्ववक्त्रान्वितं दिव्यालंकरणं त्रिपंचनयनं देदीप्यमानं रुचा हस्ताब्जैरसिखेट पुस्तकसुधा कुंभाकुशाद्रीं हलं खट्वांगं फणिभूरुहं दशभुजं सर्वारि वीरापहं। श्रीरामदूताय आंजनेयाय वायुपुत्राय महाबलाय सीताशोक निवारणाय महाबल प्रचंडाय लंकापुरी दहनाय फाल्गुन सखाय कोलाहल सकल ब्रह्मांड विश्वरूपाय सप्त समुद्रांतल लंघिताय पिंगल नयनायामित विक्रमाय सूर्यबिंब फल सेवाधिष्ठित पराक्रमाय संजीवन्या अंगद लक्ष्मण महाकपि सैन्य प्राणदात्रे दशग्रीव विध्वंसनाय रामेष्टाय सीता सहित रामचंद्र वर प्रसादाय षट प्रयोगागम पंचमुखी हनुमत मंत्र जपे विनियोगः। ओम हरि मरकट मरकटाय स्वाहा। ओम हरि मरकट मरकटाय वं 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 वषट स्वाहा। ओम हरि मरकट मरकटाय फ
फम 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 फट स्वाहा। ओम हरि मरकट मरकटाय खं 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 मारणाय स्वाहा। ओम हरि मरकट मरकटाय ठम 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 स्तंभनाय स्वाहा। ओम हरि मरकट मरकटाय डम 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 आकर्षणाय सकल संपत कराय पंचमुखी वीर हनुमते स्वाहा। ओम ढम 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 कूर्म मूर्तये पंचमुखी हनुमते परयंत्र परतंत्रोच्चाटनाय स्वाहा। कं खं गं घं गं चं छं जं झं यं टं ठं डं डं णं तं थं दं धं नं पं फं बं भं मं यं रं लं वं षं शं शं हं शं स्वाहा इति दिग्बंधः। ओम पूर्वकपि मुखाय पंचमुखी हनुमते ठं 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 सकल शत्रुसंहरणाय स्वाहा। ओम दक्षिण मुखाय पंचमुखी हनुमते करालवदनाय नरसिंहाय ह्रां 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 सकल भूत प्रेत दमनाय स्वाहा। ओम पश्चिम मुखाय गरुडासनाय पंचमुखी वीर हनुमते मम 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 सकल विषहराय स्वाहा। ओम उत्तर मुखे आदिवराहाय लं 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 नृसिंहाय नीलकंठाय पंचमुखे हनुमते स्वाहा। ओम अंजनासुताय वायुपुत्राय महाबलाय रामेष्ट फाल्गुन सखाय सीताशोक निवारणाय लक्ष्मण प्राण रक्षकाय कपिसैन्य प्रकाशाय दशग्रीवाभिमान दहनाय श्रीरामचंद्र वर प्रसादकाय महावीर्याय प्रथम ब्रह्मांडनायकाय पंचमुखे हनुमते भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस शाकिनी डाकिनी अंतरिक्ष गृह पर्यंत्र परतंत्र सर्वग्रहोच्चाटनाय सकल शत्रु संहरणाय पंचमुखे हनुमद्वर प्रसादाय सर्वरक्षकाय जं 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 स्वाहा। पठित्वेदं तु कवचं महांतं कवचं पठेत् एकवारं पठे नित्यं सर्वशत्रु निवारणं द्विवारं तु पठे नित्यं पुत्रपौत्र प्रवर्धनं त्रिवारं पठते नित्यं सर्वसंपत्करं परं चतुर्वारं पठे नित्यं सर्वमर्त्यवशंकरं पंचवारं पठे नित्यं सर्वरोग निवारणं षड्वारं तो पठे नित्यं सर्वदेव वशीकरं सप्तवारं पठे नित्यं सर्वकामार्थ सिद्धिदं अष्टवारं पठे नित्यं सर्वसौभाग्यदायकं नववारं पठे नित्यं सर्वैश्वर्यप्रदायकं दशवारं पठे नित्यं त्रैलोक्य ज्ञान दर्शनम् एकादशं पठे नित्यं सर्वसिद्धिं लभे नरः कवचं स्मृति मात्रेण महालक्ष्मी फलप्रदं तस्माच्च प्रयता भाव्यं कार्यं हनुमतः प्रियं। ओम अस्य श्री पंचमुखी हनुमत कवच स्तोत्र मंत्रस्य ब्रह्मा ऋषिः गायत्री छंदः श्री हनुमान देवता राम बीजं मम शक्तिः चंद्रः कीलकं। ओम राम कवचाय हुं हौं अस्त्राय फट। ओम हरि मरकट मरकटाय स्वाहा। ओम नमो भगवते पंचवदनाय पूर्वकपि मुखाय सकल शत्रु संहरणाय स्वाहा। ओम नमो भगवते पंचवदनाय दक्षिण मुखाय करालवदनाय नरसिंहाय सकलभूत प्रमथनाय स्वाहा। ओम नमो भगवते पंचवदनाय पश्चिम मुखाय गरुडाननाय सकल विषहराय स्वाहा। ओम नमो भगवते पंचवदनाय उत्तर मुखाय आदिवराहाय सकल संपत्कराय स्वाहा। ओम नमो भगवते पंचवदनाय ऊर्ध्वमुखाय हयग्रीवाय सकल जनवशकराय स्वाहा। ओम अस्य श्री पंचमुखी हनुमत कवच स्तोत्रस्य
श्रीरामचंद्र ऋषि अनुष्टुप छंदः श्रीरामचंद्रो देवता सीता इति बीजं हनुमानीति शक्तिः हनुमत प्रेत्यर्थे जपे विनियोगः पुनर्हनुमानीति बीजं ओम वायुपुत्राय इति शक्तिः अंजना सुतायेति कीलकं श्रीरामचंद्र वर प्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः अथ ध्यानम् वंदे वानर नारसिंह खगराट क्रोडाश्ववक्त्रान्वितं दिव्यालंकरणं त्रिपंचनयनं देदीप्यमानं रुचा हस्ताब्जैरसिखेट पुस्तकसुधा कुंभाकुशाद्रीं हलं खट्वांगं फणिभूरुहं दशभुजं सर्वारि वीरापहं श्रीरामदूताय आंजनेयाय वायुपुत्राय महाबलाय सीताशोक निवारणाय महाबल प्रचंडाय लंकापुरी दहनाय फाल्गुन सखाय कोलाहल सकल ब्रह्मांड विश्वरूपाय सप्त समुद्रांतल लंघिताय पिंगल नयनायामित विक्रमाय सूर्यबिंब फल सेवाधिष्ठित पराक्रमाय संजीवन्या अंगद लक्ष्मण महाकपि सैन्य प्राणदात्रे दशग्रीव विध्वंसनाय रामेष्टाय सीता सहित रामचंद्र वर प्रसादाय षट प्रयोगागम पंचमुखी हनुमत मंत्र जपे विनियोगः ओम हरि मरकट मरकटाय स्वाहा ओम हरि मरकट मरकटाय वम 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 वाषट स्वाहा ओम हरि मरकट मरकटाय फम 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 फट स्वाहा ओम हरि मरकट मरकटाय खं 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 मारणाय स्वाहा ओम हरि मरकट मरकटाय ठम 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 स्तंभनाय स्वाहा ओम हरि मरकट मरकटाय डम 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 आकर्षणाय सकल संपत कराय पंचमुखी वीर हनुमते स्वाहा ओम ढम 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 कूर्म मूर्तये पंचमुखी हनुमते परयंत्र परतंत्रोच्चाटनाय स्वाहा कं खं गं घं गं चं छं जं झं यं टं ठं डं डं णं तं ठं दं धं नं पं फं बं भं मं यं रं लं वं षं शं शं हं शं स्वाहा इति दिग्बंधः ओम पूर्वकपि मुखाय पंचमुखी हनुमते ठं 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 सकल शत्रुषं हरणाय स्वाहा ओम दक्षिण मुखाय पंचमुखी हनुमते कराल वदनाय नरसिंहाय ह्रां 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 सकल भूत प्रेत दमनाय स्वाहा ओम पश्चिम मुखाय गरुडासनाय पंचमुखी वीर हनुमते मम 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 सकल विषहराय स्वाहा ओम उत्तर मुखे आदिवराहाय लं 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 नृसिंहाय नीलकंठाय पंचमुखे हनुमते स्वाहा ओम अंजना सुताय वायुपुत्राय महाबलाय रामेष्ट फाल्गुन सखाय सीताशोक निवारणाय लक्ष्मण प्राण रक्षकाय कपिसैन्य प्रकाशाय दशग्रीवाभिमान दहनाय श्रीरामचंद्र वर प्रसादकाय महावीर्याय प्रथम ब्रह्मांडनायकाय पंचमुखी हनुमते भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस शाकिनी डाकिनी अंतरिक्ष गृह पर्यंत्र परतंत्र सर्वग्रहोच्चाटनाय सकल शत्रु संहरणाय पंचमुखी हनुमद्वर प्रसादाय सर्वरक्षकाय जं 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 स्वाहा पठित्वेदं तु कवचं महांतं कवचं पठेत् एकवारं पठे नित्यं सर्वशत्रु निवारणं द्विवारं तो पठे नित्यं पुत्रपौत्र प्रवर्धनं त्रिवारं पठते नित्यं सर्वसंपत्करं परं चतुर्वारं पठे नित्यं सर्वमर्त्यवशंकरं
पंचवारं पठे नित्यं सर्वरोग निवारणं षड्वारं तो पठे नित्यं सर्वदेव वशीकरं सप्तवारं पठे नित्यं सर्वकामार्थ सिद्धिदं अष्टवारं पठे नित्यं सर्वसौभाग्यदायकं नववारं पठे नित्यं सर्वैश्वर्यप्रदायकं दशवारं पठे नित्यं त्रैलोक्य ज्ञान दर्शनं एकादशं पठे नित्यं सर्वसिद्धिं लभे नरः कवचं स्मृतिमात्रेण महालक्ष्मी फलप्रदं तस्माच्च प्रयता भाव्यं कार्यं हनुमतः प्रियं।